हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मावा पेड़ा। इसे आप फ्रिज में रखकर 4 से 5 दिन तक खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बनाना शुरू करते हैं मावा पेड़ा। पैन में हम 1 कप दूध डालेंगे और दूध को उबाल आने तक गर्म करेंगे। दूध में उबाल आ गया है, अब इसमें हम मावा डालेंगे। घर का बना मावा है। मावा बनाने की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 400 ग्राम मावा हमने लिया है, अब इसे हम दूध में डालेंगे। और लगातार चलाते हुए इसे हम पिघलने तक पकाएंगे। गैस की आंच को मीडियम रखेंगे। देखिए, इसे हम इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे। लगातार चलाते हुए हमने मावा पिघलने तक अच्छे से पका लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। 1/2 कप चीनी डालेंगे। चीनी की मात्रा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मिक्स करेंगे और इसी तरह से चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। लगातार चलाते हुए हमने मिश्रण को सूखने तक पका लिया है, आप देख सकते हैं मिश्रण अच्छे से सूख गया है। अब इसमें हम 1 बड़ा चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे। इससे पेड़े में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इलायची का पाउडर बनाने की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। 1 चम्मच घी डालेंगे, मिक्स करेंगे। इलायची का पाउडर और घी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं मिश्रण पैन से अलग होने लगा है, यानी कि ये बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस को बंद करेंगे और मिश्रण को ठंडा होने के लिए रखेंगे। देखिए, मिश्रण पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसे हम हाथों से अच्छे से मसल लेंगे। देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम पेड़ा बनाएंगे। जैसे आपको पसंद हो छोटे बड़े पेड़े आप बना सकते हैं। इस तरह से हम पेड़ा बनाएंगे और बीच में इस तरह से थोड़ा सा हल्के हाथों से दबा देंगे। इसी तरह से हम सारे पेड़े को बनाकर तैयार करेंगे। लीजिए दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट पेड़ा बनकर तैयार है। इसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।